सो ये सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस आज इस टाइप की अलग एडिटिंग करने वाला है। तो गाइस इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करना एंड तक, एंड वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं वहाँ पर अच्छे ट्रिक टिप्स एंड अपडेट लेकर आता रहता हूँ। चलिए फिर वीडियो को। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पिक को ओपन कर लिया है पिक्सार टैब्स के अंदर। अब आपको क्या करना है, इस पिक को कटआउट कर देना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से कटआउट का टूल्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको ये आइकन दिख रहा है कंटेंट वाला, इस पर क्लिक कर देना। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस ये ऑटोमेटिक ही कटआउट हो रही है। सो गाइस देख सकते हैं आप, ये पिक हमारी कटआउट हो चुकी है जहाँ पर हिस्सा रह गया, और उसको हम इरेज भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे इरेज पे क्लिक कर दिया और हार्डनेस को फुल कर दिया और ड्रॉ क्लिक करके इस तरीके से हम इसको इरेज कर सकते हैं। और इसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे थोड़ा रह गया सेव करने के लिए आपको सिंपल। चलिए अब मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, और यहाँ से आपको जाना पड़ेगा इस ड्रॉ टूल्स में, और यहाँ 3 डॉट क्लिक करके सेव इमेज कर देना। चलिए अब बैंक आ जाते हैं।
जैसा आप देख सकते हो मैंने इस पिक को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जाना पड़ेगा इस सन वाला आइकन पर और एक्सपोरेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड शेडो को यहाँ से कम कर देता हूँ और यहाँ से जाता हूँ मैं ब्लैक्स में और इसको यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ 25 के आसपास और इसको कर दिया डन। यहाँ से जाता हूँ मैं थर्मामीटर के अंदर और ऊपर से मिक्स टूल में और यहाँ से इसको ये कलर मैच हो रहा है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ थोड़ा सा कम कर देता हूँ और सैचुरेशन को यहाँ से बढ़ा देता हूँ ओके। और इसके बाद और ये अपने शर्ट वाला कलर ये ब्लू है तो इसको ब्लू को ऐड कर दिया और ब्लू को यहाँ से कर दिया कम और सैचुरेशन को यहाँ से कर दिया फुल और लुमिनेंस को यहाँ से मैं कर देता हूँ कम ओके गाइस। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर से यहाँ से डन कर देना है और यहाँ से मैं सैचुरेशन में जाता हूँ और थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा दिया और इसको कर दिया डन। फिर से जाता हूँ मैं क्लैरिटी में और क्लैरिटी थोड़ा सा डाल देता हूँ और डेज को यहाँ से कम कर देता हूँ सॉरी गाइस बढ़ा देना और विग्नेट में जाता हूँ और विग्नेट को थोड़ा सा कम कर दिया और इसको कर दिया डन। एंड अब चलिए चलता है इस बार टूल्स में और यहाँ से आपको जाना कलर नॉइस में इसको बढ़ा देना है और कलर नॉइस रिड्यूसर को बढ़ा देना है और स्मूथ को फुल कर देना और इसको भी कर देना डन। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, जैसे कि देख सकते हो पहले कुछ इस टाइप की पिक थी एंड अब कुछ इस टाइप की पिक बन चुकी को कितनी क्रिएटिव लग रही। अब सेव करने के लिए आपको सिंपल इस टूल्स पर क्लिक कर देना शेयर वाले और सेव टू डिवाइस में ओके कर देना। सो गाइस ये पिक हमारे बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।